पहले दोस्तों आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की तीन नई भर्तियों के बारे में, जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन का जारी हो चुका है। इनके लिए आपको किस तरह का आवेदन करना है और इसमें ग्रुप डी से लेकर आपके शिक्षक भर्ती तक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग भर्तियाँ हैं, तो इन अलग अलग पोस्टों के लिए आप अच्छे से देख सकते हैं और इसके लिए जो भी रिजल्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। कैसे फॉर्म मिलेगा, रिक्रूटमेंट कैसे हमें, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली वैकेंसीज के बारे में। तो ये आपके निकल के आ रखी है राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती निकल के आ रखी है, जिसमें आपके सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट आदि पदों की भर्तियां निकल के आ रखी है। इसमें आपका वॉक एंड इंटरव्यू रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपके राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में यहाँ पर जो है सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट आदि पद जो यहाँ पर रिक्त पदों के लिए वॉक एंड इंटरव्यू आपका 25 मार्च को रखा गया है और इसके लिए 10 बजे आपको यहाँ पर जाना है। इसके लिए आप इसकी जो विस्तृत जानकारी है आपको इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दूसरी भर्ती के बारे में बात करें, दूसरी भर्ती जो है आपकी सभी के लिए है, जो कि यहाँ पर ग्रुप डी के अंतर्गत जो है सहयोगी गार्ड की वैकेंसी निकली है, जो कि आपका यहाँ पर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल में निकल के आ रखी है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं उत्तराखंड के जितने भी हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी आपका यहाँ पर जो है मैंने बताया हुआ पहले ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, चेंजेस कर रखा है इसमें कि समाचार पत्र जो आपका यहाँ पर 25/12/2020 को यहाँ पर अंक में छापा गया था प्रकाशन, उसमें यहाँ पर एक संशोधन कर रखा है। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञप्ति के क्रम में जो है वंचित अभ्यर्थी हेतु यहाँ पर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटदार वर्ग 4 इनके ग्रुप डी के लेवल की यहाँ पर है और सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रण प्राप्त किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 26/3/2022 तक यहाँ पर बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर आप 26 तारीख तक इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और पूर्व में जो आवेदन अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन करने की जो है आवश्यकता नहीं है। इनकी पहले जिन्होंने कर रखा है वो बिल्कुल ना करें, सिर्फ उन्हीं को करना है जिन्होंने नहीं कर रखा है। 26/3 तक करना, 5 बजे तक करना है और पंजगी डाक या स्पीड पोस्ट आपको फॉर्म फिल कर देना है और आवेदन का जो पत्र प्रारूप मिलेगा, विज्ञप्ति मिलेगी, ऑफिशियल साइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन सब मैंने उस वाली वीडियो में रखा है जो आप लोगों ने देखा होगा पहले, जो आपको पहले आया होगा, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। और उसके बाद हम बात करें तीसरी भर्ती, जो यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर निकलेगी है। इसमें यहाँ पर गोल्डन फिश आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल जो कि आपकी हेमपुर में है, यहाँ पर जो है आपकी एक तो आपकी निकली है NTT की नर्सरी टीचर की वैकेंसी निकली है। इसमें आपको एक ग्रेजुएशन BEd वाली भी अप्लाई कर सकते हैं या NTT वाले भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आया की पोस्ट है फिफ्थ क्लास वाले पास अभ्यर्थी फिल कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो सब कुछ डेली भी आपको बनानी है, इसके लिए 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपका लगेगा। इसके लिए आपको इस फेवर में आपको यहाँ पर DD जमा करनी है और लास्ट डेट जो है 7 अप्रैल इसकी रखी गई है। इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप जो शिक्षक हैं NTT वाले इस पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये 3 वैकेंसी जो कि आप इन पदों पर भर्ती आई हुई है।